हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है कि जो यूपी बीएड 2021-23 का, जैसा कि मैं बार बार आपसे कह रहा था कि जो आपका फॉर्म है वो फरवरी में आ जाएगा, क्योंकि जो अगला सत्र है वो कभी भी लेट नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि बार बार सत्र नहीं लेट होगा। अब की बार लेट हुआ क्योंकि कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था, एंट्रेंस लेट में हो पाया, इसलिए सारी चीज़ें हुई थी। तो जो 2021-23 है वो अपने ही समय पर चलेगा। सारी चीज़ें जो हैं, जो सूचनाएँ हैं वो आज के पेपर में निकली हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हो। पेपर का नाम जो है बता दूंगा। बस आप अगर नए हो और बीएड की आप तैयारी करना चाह रहे हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से हम लोग बीएड की तैयारी शुरू कर चुके हैं और आज हम लोगों की जीके जीएस का पहला लाइव टेस्ट भी हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। चलिए बढ़ते हम लोग अपनी न्यूज की तरफ। और हां, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये न्यूज निकल कर आई है, पूरा जो है प्रस्तावित कार्यक्रम इन्होंने बता दिया है कि क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो 15 जुलाई से अगला सत्र शुरू करने की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है और हिंदुस्तान पेपर है, आप उसमें जाकर देख सकते हो। यहां पर पूरी चीजें लिखी हुई हैं, मैं इन सारी चीजों को मैं आराम से पढ़ लेता हूं, पढ़िए आप लोग। प्रस्तावित कार्यक्रम की तरफ हम देखें अगर, तो शासन ने वर्ष 2021 का प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी लखनऊ विश्वविद्यालय को सौंपी है, जैसा कि मैंने कल ही आपको बता दिया था वीडियो में। सोमवार को इसका आदेश जारी किया था। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। कार्यक्रम के तहत 15 अप्रैल तक प्रवेश परीक्षा हो जाएगी, जैसा कि मैंने बता दिया है 15 अप्रैल तक, यानी उसके पहले भी परीक्षा हो सकती है। और जो रिजल्ट है वो 10 से 15 मई तक परिणाम भी आ जाएंगे, ये भी बिल्कुल सही है। और जून के अंतिम सप्ताह तक आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया भी पूरी की पूरी जो होगी वो खत्म हो जाएगी। आपको अपने इस चैनल के माध्यम से हर एक चीज गाइड की जाएगी, आपको क्या पढ़ना है। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत ही सिंपल सी चीजें आती हैं आपके एंट्रेंस में। अच्छी तैयारी करोगे तो आपको सारे मार्क्स मिल जाएंगे। आपको सारी चीजें, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, सब चीज आपको यहां पर पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और 25 जुलाई से जो है, यहां पर आप देख लीजिए कि सीटें बढ़ने की भी अनुमान है। ALU के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय के मुताबिक पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष और अच्छा कार्य ALU की ओर से किया जाएगा। साथ ही टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटजी को भी और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से गत वर्ष 2020 में अगस्त में संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020-22 प्रक्रिया शुरू हुई थी और 31 दिसंबर को समाप्त हो गई थी। गत वर्ष प्रदेश भर के बीएड कॉलेजों में, चलिए तो कहने का मतलब यह है कि जो आपका ALU है बहुत अच्छा काम कर रही है। 2020 में भी इन्होंने अपने इस कोविड के जो है, कोविड चलने के बावजूद भी इन्होंने सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए सबसे पहले यूपी में पेपर कराने वाला ALU बना था, जो बीएड का एंट्रेंस कराया था। और मैंने आपसे कहा था कि फरवरी में जो है आपके आवेदन ले लिए जाएंगे, क्योंकि फरवरी से लेकर मार्च तक एक महीना इनका आवेदन चलता है। और जब मार्च में आवेदन हो जाएगा तभी तो अप्रैल में पेपर करा पाएंगे ना, क्योंकि एडमिट कार्ड आती है, बहुत सारी प्रोसेस होती है। अब ये मत कहिएगा सर इस पेपर में तो आपने दिखाया नहीं फरवरी, मैंने आपसे बता दिया है कि 2 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी के बीच में कभी भी आपका एंट्रेंस फॉर्म आ जाएगा। कुछ यकीन मेरा भी किया करिए, क्योंकि मैं बहुत दिन से कवरेज कर रहा हूं बीएड के लिए, कवर जो है आपका बना रहा हूं, तो इतना मुझे अंदाजा है। आपको भी पता है अगर 10 फरवरी को फॉर्म नहीं लाएंगे तो 10 मार्च तक भरा जाने का, एक महीने का समय मिलता है। और 10 मार्च तक जब भरा जाएगा तो फिर हमें एडमिट कार्ड भी निकालना होगा, तभी 15 अप्रैल तक पेपर होगा। इतनी गैस सभी लोगों को है, समझ लीजिए इस बात को। तो बहुत ही जल्द इसका जो है फॉर्म आ जाएगा, आप बिल्कुल भी ना घबराइए। समझ में आ गई बात। और बाकी अगर आप लोग अभी क्लासेस नहीं स्टार्ट कर रहे हो तो जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लास करिए, पीडीएफ भी आपको तुरंत मिल जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।